नमस्कार दोस्तों, उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके पास पोको का कोई भी डिवाइस है या फिर एम आई का कोई भी डिवाइस है, उसके अंदर एम आई यू आई का एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है दोस्तों, ठीक है, या फिर 12.5 में आपने अपने एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट कर दिया अपने फोन को, उसके बाद से आपके फोन में प्रॉब्लम आ रही होगी दोस्तों। प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी आप कॉल कर रहे होंगे तो आपका सेंसर जो है, कॉलिंग सेंसर जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो काम नहीं कर रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, तो मैं बता दूं दोस्तों, जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो कॉल करते वक्त जब कॉल को अपने फोन को कान की तरफ लगाते हैं तो आपकी जो डिस्प्ले की लाइट होती है वो बुझ जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास अगर एम आई का कोई भी फोन होगा या फिर पोको का फोन होगा, तो उसके बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनमें आप अगर कान के पास अपने फोन को ले जाते हैं तो वहां पे कॉलिंग के वक्त आपका जो सेंसर है, यानी कि आपकी डिस्प्ले की जो लाइट है, वो बंद नहीं होती है, क्योंकि उस समय सेंसर जो है आपका सही से वर्क नहीं करता है, तो लाइट बंद नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है कि हम जब कान के पास फोन को लगाए होते हैं तो ऐसे बहुत सारी जगह टच हो जाता है हमारा फोन, कहीं म्यूट हो जाता है, कहीं होल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आपको फिक्स कैसे करना है और ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ये दोनों चीजों को आज सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कूल होने वाला है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नए वीडियो सबसे पहले मिले दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या काम नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो आप काम करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अगर आपके पास पोको का कोई भी डिवाइस है उसमें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। पोको पोको X2 को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि पोको X2 में सेंसर थोड़ा नीचे दिया होता है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं जिनमें ऊपर का ये चीज जो ऊपर दिया हुआ है बॉर्डर, ये बहुत कम होता है, उसमें ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको जो टेम्पर्ड यूज करना है वो दोस्तों इस तरह का कोई भी टेम्पर्ड नहीं यूज करना है, जैसा मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं दोस्तों, जिसमें ब्लैक 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 कॉर्नर दिया हो, ठीक है, ब्लैक टाइप का कॉर्नर दिया हो, देख सकते हो पूरा हाई ब्लैक है, किनारा किनारा ब्लैक ब्लैक है। यही वाला मैंने भी मंगा लिया था, उसके बाद से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सेंसर में दोस्तों, तो मुझे लगा हो सकता है अपडेट के बाद से प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों अपडेट के बाद से नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम इस टेम्पर्ड की वजह से आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने इस टेम्पर्ड को हटाया मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो गई, क्योंकि इसमें जो ब्लैक टाइप का जो बॉर्डर लगा हुआ है ये क्या करता है, आपके सेंसर को ढक लेता है। ये देख सकते हो, इसका सेंसर बहुत ही ऊपर लगा है, बिल्कुल कोने के साइड में लगा है, तो जब भी आप कान के पास इसको ले जाते हो तो ये सेंसर काम ही नहीं कर पाता, ये ब्लैक वाले बॉर्डर की वजह से वो सेंसर पहले ही पूरा मतलब उसको वो कर देता है, मतलब बंद कर देता है, जिसकी वजह से सेंसर काम नहीं करने लगता है। अगर आप कोई टेम्पर्ड मंगा रहे हो तो पूरा ट्रांसपेरेंट मंगाओ, जिसमें एक किनारा जो ब्लैक कलर का, एक ब्लैक कलर का किनारा हो ही ना, तभी आपका सेंसर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करेगा दोस्तों। अगर आपके फोन में कोई टेम्पर्ड नहीं लगा है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरा एक और काम कर सकते हो दोस्तों, वो क्या है चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फोन को रिबूट कर देना है या फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देना है, तो 24 घंटे तक ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। 24 घंटे बाद फिर से हो सकता है आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, क्योंकि एम आई यू आई के जितने भी फोन है सब में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है वो टेम्पर्ड की वजह से आ रही है। आप देख सकते हैं मेरा अभी MI UI 12.5.4 है, जी हाँ दोस्तों, जो कि लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट मैंने कर दिया था, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो मेरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो टेम्पर्ड की वजह से आ रही थी, और उम्मीद करता हूं आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो टेम्पर्ड की वजह से ही आ रही होगी। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक शेयर कर देना।